दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। पिछली क्लास में हमने लो पास फिल्टर को डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम हाई पास फिल्टर को डिस्कस करेंगे, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। सो दिस इज दी ऑपेप। वहां पर हम देखें तो हमने वहां पर एक इंटीग्रेटर सर्किट यूज किया था जो लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा था। यहां पर उसका जस्ट अपोजिट है, तो वो लो पास फिल्टर था, ये हाई पास है। तो वहां पर इंटीग्रेटर था, तो यहां हमने डिफरेंशिएटर सर्किट यूज किया है। तो डिफरेंशिएटर सर्किट, तो वहां पर, यहां पर जहां सी लगा हुआ है कैपेसिटेंस, वहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर हमने कैपेसिटेंस यूज किया है। तो अगर कैपेसिटेंस यहां यूज हो तो अब ये हाई पास फिल्टर हो गया, ये केवल हाई पास सिग्नल को पास करेगा। इफ दी ओपेम इज आइडियल देन दी वोल्टेज वही है। अगर ओपेम को हम आइडियल मानते हैं तो इसके इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्म वर्चुअली ग्राउंड होंगे। वी वन क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, वोल्टेज जीरो हो गया, और ये दोनों शॉर्ट हैं तो इसकी वजह से V2 भी जीरो हो जाएगा। तो अगेन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो। IC की वैल्यू निकालेंगे तो वही वोल्टेज डिवाइडिंग रूल निकालेंगे, तो V1 माइनस V2 अपॉन दिस इंपीडेंस, तो V1 माइनस V2 अपॉन 1 j ओमेगा C, जिसमें V2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो V1 j ओमेगा C। IR की वैल्यू निकालेंगे तो V2 माइनस VO, V2 माइनस VO अपॉन R, तो माइनस VO अपॉन R, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस आइडियल ओपन में इनफाइनाइट होता है, तो इनपुट करंट जीरो हो गई, तो IC इक्वल टू IR होगा। उस कंडीशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास VO की वैल्यू माइनस J2 पाई FRC आएगी। इस इक्वेशन से क्लियर है कि अब डिफरेंशिएटर और हाई पास फिल्टर दैट द गेन ऑफ द फिल्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसमें देखें उसमें क्या था, जो गेन था वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन डिफरेंशिएटर के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गेन बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि जीरो से जब फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट होगी और हाई FN तक जाएगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जाएगी, तो वहां तक हमारे पास गेन कम होगा, जिसकी वजह से वहां पर एटीन्यूएशन बैंड होगा, स्टॉप बैंड होगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी FN से ऊपर जाएगी तो हमारे पास गेन, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर गेन बढ़ता जाएगा, और गेन बढ़ेगा तो फिर वो पास बैंड की तरफ जाएगी, और उस केस में हमें पास बैंड मिलेगा। तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी हमारी पास नहीं होगी, केवल हाई फ्रीक्वेंसी पास होगी। दिस इज दी बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में हमने वहां पर एक RC नेटवर्क यूज किया था। इसमें इनपुट टर्मिनल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसे इनपुट टर्मिनल लिया है। यहां से V1 की वैल्यू अगर हम निकालें, V1 ये है, V2 ये है, तो V1 की अगेन वही है, R के अक्रॉस निकालें तो R अपॉन R प्लस C, ये दोनों इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज। तो V1 निकाल लिया, V1 की वैल्यू में हमने R और XC की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आउटपुट VO इक्वल 1 प्लस RFO R V1, V1 की वैल्यू हमारे पास ये है। यहां देखें तो ये 0 से लेके FL तक, यहां पर जो गेन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहां पर हमें स्टॉप बैंड मिला है, एटीन्यूएशन बैंड है। FL से फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाना स्टार्ट होगी, गेन हमें ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा, कॉन्स्टेंट गेन मिल जाएगा, दिस इज दी पास बैंड। तो हम देखें तो FL से ऊपर की हाई फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो रही है, तो ये जस्ट अपोजिट ऑफ दी लो पास फिल्टर। आउटपुट वोल्टेज देखें तो VO अपॉन 1 प्लस, यहां पर V1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, VO अपॉन V1 हमारे पास ये आ गया, यहां पर VO अपॉन VN गेन हो गया, AF पास बैंड गेन हो गया, F फ्रीक्वेंसी हो गया, FL लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर। लोअर कट ऑफ, वहां पर FS हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, यहां पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कि लोअर फ्रीक्वेंसी को कहां तक कट करना है वो करना है। VO अपॉन VN की वैल्यू निकाली, फाइव की वैल्यू निकाली है। एट लो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो F की वैल्यू अगर FL से कम है, उस कंडीशन में ये AF से कम रहेगी। अगर F इक्वल टू FL है, देन V अपॉन VN इज इक्वल टू A1, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे का F इज मच मच ग्रेटर देन FH, देन V अपॉन VN इज इक्वल टू AF, वहां पर हमें AF मिलने लगेगा, तो यहां पर वो पास बैंड होगा। फिगर से हम देखें इट इज क्लियर दैट दी वोल्टेज गेन इज कॉन्स्टेंट वाइल दी फ्रीक्वेंसी आफ्टर FL, FL के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी उसमें देखें तो गेन कॉन्स्टेंट हो जाता है। द गेन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम जीरो टू FL, जीरो से लेके FL तक जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसमें गेन बढ़ रहा है रेगुलरली, लेकिन FL से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। जब फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स बढ़ती है तो उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 dB का डिके आएगा, 20 dB पर डिके, लेकिन ये प्लस में है, वहां पर देखें वहां पर हमें माइनस में मिल जाता है। माइनस में मिलने का मतलब है कि वो डिके कर रहा है, वहां पर जो गेन है वो कम हो रहा है, और प्लस डीबी मिलेगा गेन बढ़ रहा है। तो हम देखें लोअर बैंड में गेन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद कॉन्स्टेंट की तरफ जा रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग दी
20 डीबी पर डिकेड का राइज है, इंप्रूवमेंट है। ये इसी तरह से दोगुनी फ्रीक्वेंसी है तो 6 डीबी का आ जाएगा, और अगर 0.707 पर निकाले 3 डीबी आ जाएगा। सो दिस एफएल इज नोन एज अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ब्रेक फ्रीक्वेंसी और 3 डीबी फ्रीक्वेंसी। पता नहीं। इसी तरह से बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर फिल्टर पढ़ेंगे, तो सेकंड ऑर्डर फिल्टर में क्या था, आरसी नेटवर्क, दो आरसी नेटवर्क हमने यूज किए हैं सेकंड ऑर्डर में, और इसमें जो रिस्पांस है वहां 20 डीबी पर डिकेड था राइज था, यहां पर 40 डीबी पर डिकेड का है। तो दिस इज द सेम कि वहां पर भी जैसे सेकंड ऑर्डर जो लो पास में था ऐसे हाई पास में है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से बेटर है क्योंकि इसमें जो डिके है राइज है वो 40 डीबी पर डिके का है। The response of second order filter is better than the first order because the roll off in stop band is better than the first order. यहाँ जो roll off है stop band से pass band में, ये हमें second first order से अच्छा है। It has an extra RC filter, इसमें एक ऐसा RC filter use किया है, अगर इसमें lower cut off frequencies यहाँ तो 1/2πR2R3C2C3 होगा। So this is the Butterworth second order filter. Again इसके लिए equations है, same है, higher cut off frequency. Thank you.